तो इस वीडियो में देखेंगे सम ऑफ टू फ्लोटिंग नंबर्स, दो फ्लोटिंग नंबर्स दिया हुआ है तो उसको ऐड कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ x1 इक्वल टू और x2 इक्वल टू, दो फ्लोटिंग नंबर है। तो सबसे पहले ऐड करने से पहले या फिर सब्ट्रैक्शन करने से पहले फ्लोटिंग पॉइंट का जो एक्सपोनेंट दिया होगा, एक्सपोनेंट हम इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 2 है। जिसका एक्सपोनेंट कम होगा उसको नॉर्मलाइज करके उसके एक्सपोनेंट को बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x2 इक्वल टू 0.3400 इंटू 10^2, इसको 3 करना है एक्सपोनेंट को। तो एक्सपोनेंट में ऐड करना है। एक्सपोनेंट में ऐड कब होता है, जब मेरा पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के लिए एक जीरो दे देते हैं, एक लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया मेरा, तो 10^3 हो गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो मेरा पहला दिया हुआ 0.4273 इंटू 10^3, एक्सपोनेंट सेम है मेरा तो सेम आ जाएगा, और 3 ये मेरा नॉर्मलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 बिट मेंटिसा एंड 2 बिट एक्सपोनेंट में आया, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। मेंटिसा मेरा साइन बिट प्लस में है, प्लस 4613, और एक्सपोनेंट का साइन बिट मेरा प्लस में है तो प्लस 03। एडिशन हो गया दो फ्लोटिंग नंबर का।